सुप्रभात। आज हम क्षितिज हिंदी बुक से कक्षा 9वीं की पाठ 12 पढ़ेंगे, कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला में की एक ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो हम इसके बारे में परिचय डालेंगे थोड़ा सा। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था और वे बड़े शिक्षा प्रेमी थे। आपकी सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका थी कर्मवीर और प्रभा। माखनलाल चतुर्वेदी जी कुशल कवि, संपादक और निबंधकार थे और पत्रकार भी थे। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं जैसे हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, युग चरण समर्पण आदि, और नाटक भी कृष्ण अर्जुन का नाटक भी इन्होंने लिखा, निबंध साहित्य देवता लिखा आदि। अब हम पढ़ेंगे कविता के बारे में, कवि काव्य पठन करेंगे कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन भर आनंदित जीवन पर अब दिन रात पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माया काली काली माँ मई जगी क्यों आली। तो इसमें बताया है कि राहजनी भटमार यानी राहजनी रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले, और तम अंधकार, हिम कर चंद्रमा आदि। कैदी कोकिला में अत्याचार अन्याय के प्रति दृष्टि डालने को लेखक ने बताया। स्वतंत्र संग्राम सेनानी के साथ जेल में कैसा व्यवहार है, इस कविता में उसकी झलक मिलती है। तो हम आगे देखेंगे अब कि संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका छिपी बुक से लिया गया है। पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। पहले क्या आएगा इसमें संदर्भ, संदर्भ की है किस पाठ से लिया गया है, क्या कविता का वर्णन है और किस पुस्तिका से लिया है। फिर आएगा कि यह पद्यांश पाठ्य पुस्तक के कैदी और कोकिला पाठ से लिया गया है। लिया गया है कैदी और कोकिला पाठ से, और इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रसंग है कि यहाँ पर कैदी कोकिल किसको बोया है, कोयल कोकिल को अपने यातनामय जीवन और कितनी शासन के प्रति दुर्व्यवहार के बारे में बताते हैं, और कैदी और कोकिल के माध्यम से विषय को प्रस्तुत किया है। प्रसंग में क्या बोला है, बताया कि यहाँ पर कैदी कोकिल को अपने यातनामय जीवन में ब्रितानी शासन यानी ब्रिटिश का शासन था उस समय की है रचना है कि दुर्व्यवहार के बारे में बताया गया, कैदी और कोकिला के माध्यम से विषय प्रस्तुति की गई है। व्याख्या में बताया है कि ये कैदी कोकिला से पूछते हैं, कोकिल से कि तुम क्या गीत गा रही हो और तुम रुक रुक कर बार बार क्यों जाती हो, तुम मुझे इसका कारण बताओ, तुम क्या लेकर आती हो, जो तुम बोल रही हो यह संदेश किसका है, इसके बारे में तुम मुझको जानकारी दो। कैदी किससे पूछ रहा है, कोकिल से, मुझको इसके बारे में जानकारी दो। कैदी अपनी स्थिति को बताते हुए कहते हैं कि हम यहाँ ऊंची ऊंची और काली दीवारों के बीच में बंद हैं, घिरे हुए हैं, यहाँ पर डाकू और चोरों का लुटेरों का निवास है, यहाँ पर यहाँ के अधिकारी बदमाश
बताते हुए कहता है कि ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे और बंद है हम डाकुओं और लुटेरों के निवास पर है। यहाँ के अधिकारी बदमाश है जो भरपेट भोजन नहीं देते, भूखे मरने देते हैं। इस पीड़ा से हम तड़प तड़प कर रहते हैं और कष्टमय जीवन पर भी हम दिन रात कड़ा पहरा रहता है। इससे हम समझ नहीं पा रहे कि शासन की काली करतूतें हमारे जीवन का अंधकार बनी हुई हैं और हम परेशान हो रहे हैं। फिर इसके बाद बताया कि इसीलिए जीवन का अंधकार गहरा प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा भी निराश करके चला जाता है, रात में घनी काली छाया हो जाती है। फिर क्यों हूक पड़ी वेदना बोल वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्ध रात्रि को सीख चीखी। कोकिल बोलो तो किस दावा नाल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो कैदी किससे बोल रहा है, कोकिल, कोकिल से। अब इधर पे हूक शब्द का अर्थ है कि करुण पुकार, वेदना यानी पीड़ा, वैभव यानी संपत्ति, दादनावल यानी लगने वाली ये जंगल में लगने वाली आग के बारे में बताया है और ज्वालाएं यानी आग की भयंकर लपटें होती हैं। संदर्भ इसमें भी हमें लिखना है, जैसे कि बताया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और कैदी और कोकिला पाठ से है, इसके लेखक मक्खनलाल चतुर्वेदी जी। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा संदर्भ है कि मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचना है, मक्खनलाल चतुर्वेदी रचयिता। यहाँ कैदी कोकिल कोयल से रात्रि में चीखने की पुकार के बारे में पूछ रहे हैं कि रात्रि में कोयल की चीख होती है क्या। तो व्याख्या में बताया कि कैदी कोकिल से पूछते हुए कहते हैं, तुम पीड़ा के बाहर में दबी हुई हो और करुण क्यों चीख रही हो, करुण पुकार से तुम क्यों चीख रही हो, क्यों चीख रही, और इसके बारे में हमें बताओ। क्या तुम्हारी मधुर संपदा लूट ली गई है जिसकी रक्षा में तुम लगी हुई हो, और कोकिल तुम मुझे सत्य बताओ कि जो सही है इसका कारण बताओ कि तुम्हें रात में भयंकर लपटें दिखाई देती हैं क्या और तुम्हारी चीख निकल पड़ती है, मुझे तुम सत्य बात बता दो। किससे पूछ रहे हैं, कैदी कोकिल से पूछ रहा है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना हथकड़ियों क्यों, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चर कर चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट भर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। फिर इसमें शब्द आया इसका अर्थ है पूर्व चरसा, जो कुएं से निकलने वाली पानी के काम आता है। जुआ, बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी। अकड़ याने घमंड, बेद याने अंधकार। फिर प्रसंग में संदर्भ में आपको पहले ही के जैसे लिखना कि हमारे ये क्षितिज पाठ बुक से लिया गया है, पद्यांश है, कविता है और इसके लेखक मक्खनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रसंग है कि कैदी अपने जेल के जीवन के बारे में बताते हुए कोकिल से पूछते हैं कि क्या तुमको भी देश कारागार जैसे प्रतीत होता है क्या, शायद तुम इसीलिए विद्रोह के बीज बो रही हो। व्याख्या में बताया है कि कारागार में बंदी कैदी कहते हैं कि क्या तुम हमारे हाथों में पड़ जाओगी, जंजीरों के आभूषण को देख रही हो ना, तुम जानना चाहते हो हमारे
में हथकड़ियां पड़ी देख रही हो? क्यों पड़ी तो सुन लो, यह ब्रिटिश शासन का आभूषण है, स्वतंत्रता सेनानियों ने पहनाई है। जेल में रहने वाले कोल्हू चरखू चू क्यों कर रहे हैं? कैदियों के जीवन की लय है और यह पत्थर गिट्टियों पर अंगुलियों से गीत लिखे गए हैं। और मैं अपने पेट पर जुआ लगा करके पानी निकालने का काम करता हूँ और यहाँ पर आशय बताए घमंड के लिए कुएं को खाली कर रहा हूँ। आशय है कि गर्व से चूर अधिकारी जो आदेश दे रहे हैं उन्हें सामान्य मानकर उनका गर्व भी चूर चूर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हारी करुणा भरी पुकार दिन में नहीं जागती, तुम्हारी करुणा भरी पुकार दिन में नहीं जागती और रात में चीखने लगती हो। इसलिए हे सखी कोकिला, तुम्हारे रुलाने वाली है करुणा मई चीख रात में तीव्र प्रहार करती है। कैदी कोकिल से पूछता है कि रात्रि के समय शांत रहने में वो भेजते हुए तुम क्यों रो रही हो? और कोकिल तुम बताओ शांत भाव से इस तरह विद्रोह के बीच को क्यों बो रही हो? फिर इसमें बताया है विशेष में कि जेल की यातना को सहने वाले कैदियों का आवास हो रहा है और इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें दुखद स्थिति की कोकिल का भी दुखी है, वह भी इसलिए रात को चीखकर अपनी व्यथा को व्यक्त करती कर रही है। कोकिल रात में अपनी चीख को व्यक्त करते हुए बता रही है। इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार। काली तू रजनी तू भी काली, शासन की करने भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोटरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति व्याली, तिस पर है गाली ये आली, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों करके रो तैरती रहती हो? और कोकिल इसके बारे में भी तो बोलो तो। फिर प्रसंग बताया है कि आपको इस यह किस पाठ से लिया गया है और किसका किसकी रचना है काव्य रचना। फिर प्रसंग में यहाँ पर कैदी सब तरफ से दुखद स्थिति को बताते हुए कोकिला से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि तुम संकट काल में अपने प्रभावपूर्ण गीतों को क्यों तैरा रही हो? तो फिर कैदी और कोकिल से कहते हैं कि तुम काले रंग वाली हो, यह रात भी काली है और शासन भी काला है। क्या बोलता है? काली करतूते हैं इनकी ब्रिटिश राज्य के शासन की, इनकी करतूते काली है। ब्रिटिश राज्य के शासन उस समय जो चल रहा है उसके बारे में बताया है। फिर भविष्य की कल्पना करे तो दुखद है, जेल की किस काल कोठरी में घूमे वह भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी वह भी काली है, कंबल भी काला है, हाथों पैरों में पड़ी जंजीर भी काली है। इन्हें सभी तरफ उसको काला काला दिख रहा है, उसके बारे में कैदी अपना वर्णन कोकिल से कर रहा है। दुखों के कष्टपूर्ण सागर पर मदमस्त होकर अपने प्राण देने को वह तत्पर है। और कोकिल तुम बताओ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम अपने प्रभावपूर्ण गीतों को चारों ओर क्यों फैला रही हो? और कोकिल तुम इसका कारण स्पष्ट करो। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का चित्रण हुआ है और पक्षी देश के संकट के बारे में भी वह भी त्रस्त है यह सब चारों तरफ देखकर। फिर तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे नसीब कोठरी काली, तुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नव पर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह, मेरा 10 फुट का संसार, देश विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणबेरी, इस कृति पर अपनी कृति से और क्या क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। इसमें भी यहाँ पर भी प्रसंग बताया है कि कैदी ने अपने कोकिल
से करते हुए स्वयं को देश भर के अर्पण करने का आभास दिया है। फिर बताया कि कोकिल से अपनी तुलना करते हुए कैदी कहते हैं कि हे कोकिल तुम, हे कोकिल से अपनी तुलना करते हुए बताया कि तुमको निवास के लिए हरी भरी डोली मिली है, मेरे भाग तो रहने के लिए काली कोठरी मिली है। कि जैसे पहले बता रहा है वो कि मेरा कंबल काला है, मेरी जो जंजीर पड़ी वो भी काली है ना। फिर अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि काली कोठरी है जिसमें मुझे ये सजा मिली हुई जो, और किंतु मुझ पर इतने बंधन गीत गाना तो दूर में रहा, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं भी अपराध है अगर मैं गाता हूँ। असमानताएं देख रही हो उस पर भी मुकाबला करने का बाजा बजा रही हो, अर्थात यहाँ इसकी असमानता के बारे में जूझने की चुनौती दे रही हो। हुंकार पर मैं भी वह अपने कार्यों से अधिक क्या कर दूं, हे कोकिल तुम बोलो तो। स्वतंत्रता के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जी ने आवरण व्रत करा था, उसकी सफलता के लिए मैं अपने प्राणों को किस प्रकार अर्पित कर दूं, हे कोकिल तुम मुझे इस मार्ग का मार्ग बताओ। इसमें बताया है कि कोकिल स्वतंत्र है और कैदी परतंत्र है, इसी कारण दोनों में असमानता है। देश की स्वतंत्रता के लिए यह सब कुछ अर्पित करने का भाव व्यक्त किया गया है। क्या किया गया इसमें, देश के प्रति कैदी और पक्षी की बारे में समानता असमानता का वर्णन किया गया इस काव्य पाठ में। भाषा में भाव की सशक्त प्रस्तुति हुई है, रूपक अनुप्रास अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, कैदी और कोकिल की बातें हो रही हैं। बच्चों यह सब आपको अपनी कॉपी में संदर्भ प्रसंग सहित काव्य का पाठ की रचना पूरी लिखनी है। आगे हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे।